कल आधी रात को आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के सामने उज्जैन के महाकाल मंदिर में खूब हंगामा हुआ। जैसे ही लोगों को खबर लगी कि मंदिर में आलिया और रणबीर दर्शन के लिए आने वाले हैं, वहां कई संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए और वहां जमकर हंगामा करने लगे। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि रणबीर और आलिया को शहर के डीएम के बंगले में जाकर शरण लेनी पड़ गई। दरअसल 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है, इसी के चलते महाकाल मंदिर में रणबीर और आलिया पूजा करने के लिए पहुंचे थे। उज्जैन पहुंचने से पहले ही इन लोगों ने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि ये उज्जैन पहुंच रहे हैं और वहां महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आलिया, रणबीर और अयान मुखर्जी के मंदिर पहुंचने से पहले ही वहां लोग पहुंच गए और फिर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद आनंद फानंद में उज्जैन के डीएम ने अयान को फोन कर कहा कि वो आलिया और रणबीर को लेकर सीधा डीएम के बंगले पर पहुंचे। उज्जैन के डीएम अयान मुखर्जी के दोस्त भी हैं। इसके बाद पुलिस ने महाकाल मंदिर में पहुंचकर वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस दौरान वहां बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने एक शख्स को लातों घूसों से पीटा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रणबीर खुद कहते हैं कि वो गौ मांस खाते हैं, तो ऐसे गौ मांस खाने वालों को महाकाल के मंदिर में प्रवेश कैसे दिया जा सकता है? प्रशासन को इस बात का जवाब देना चाहिए। हंगामा थोड़ा शांत होने के बाद महाकाल मंदिर में सिर्फ अयान मुखर्जी और उनकी टीम के कुछ लोग ही पहुंचे। आलिया को डर था कि प्रेगनेंसी की वजह से उनके साथ कोई धक्का मुक्की या अनहोनी न हो जाए, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया गया। सिक्योरिटी रीजन की वजह से रणबीर भी मंदिर नहीं गए, ये दोनों डीएम के बंगले में कैद रहे। अयान अकेले मंदिर में जब दर्शन करने पहुंचे तब लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। जैसे तैसे अयान वहां से लौटे और फिर डीएम के बंगले पर वापस आ गए। इसके बाद रात को सिक्योरिटी के बीच ये तीनों मुंबई के लिए रवाना हुए। पूरी रात ये हंगामा चलता रहा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।